अच्छा डॉक्टर आयशा आप क्या बता रही हैं आप? आज हम बेसिकली बता रहे हैं हाइड्राफेशियल। अच्छा, और हाइड्राफेशियल को हम हाइड्राडर्म अब्रेजन भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास 7-in-1 मशीन है जिसके अंदर काफी सारे ट्रीटमेंट्स हैं। अच्छा। एक तो हमने इनके ब्लैकहेड्स रिमूव करने, इनके ओवरऑल फेस पर एक्ने रहता था, एक्ने चला गया, लेकिन अब क्या होता है कि ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से ब्लैकहेड बन जाते हैं। अच्छा। दूसरा ये कि इनके स्किन के ऊपर ओपन पोर्स हुए हैं या मसाम खुल गए। अच्छा। दूसरा प्रॉब्लम ये है। तीसरा इनका डार्क सर्कल्स का इशू है, अंडर आई एरिया में। अच्छी है, इनकी इतनी बुरी नहीं है। हाँ, लेकिन पिगमेंटेशन और वो ब्लैक हेड्स की वजह से काफी इनकी स्किन जो है वो प्रॉब्लमेटिक लग रही है। और अंडर आई एरिया में इनकी हल्की सी लाइंस बनना शुरू हो गई हैं जिसको हम अर्ली एजिंग भी कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है सन ब्लॉक लगाने का। और अगर सन ब्लॉक लगा भी रहे होते हैं तो वो आंखों के इर्द गिर्द नहीं लगाते या हम सन ग्लासेस यूज नहीं करते, जिसकी वजह से यूवी रेज हमारी स्किन पर डायरेक्ट पड़ती है और अंडर आई एरिया बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है। और प्लस ये कि सन ग्लासेस अगर हम यूज करते भी हैं तो हम SPF वाले ग्लास यूज नहीं करते ना। हाँ। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। हाँ। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स आज हम इनके स्किन पे करने जा रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको कहीं किसी फंक्शन में जाना होता है और उनको अपनी स्किन पर बिल्कुल एक इंस्टेंट ग्लो चाहिए होता है, तो वो ये फेशियल 2 घंटे पहले भी ले सकते हैं। अच्छा। 2 घंटे पहले लेकर आप इजिली चले जाएं, किसी भी फंक्शन को आपने अटेंड करना है, बहुत अच्छा स्किन पे नेचुरल ग्लो आ जाता है। और इसके अंदर एक ऑक्सीजन इन्फ्यूजन थेरेपी है, इसके अंदर बेसिकली हमने विटामिन सी भी एडेड किया है जो कि सिरम है। अच्छा। और ये स्किन की ग्लो पर, पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा होता है, प्लस ये आपको नेचुरल ऑक्सीजन स्किन पर देता है। अच्छा। तो ये सारे काम हम करेंगे टाइम टू टाइम। सबसे पहले अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं विद दिस। अच्छा, इसके बहुत सारे औजार होते हैं। इसके बहुत सारे औजार हैं, उनके ये सारे फंक्शंस हैं जो अभी मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की हैं जी। और आई थिंक थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा है इनको। अच्छा, तो ये बेड ना करीब कर ले। हाँ, बेड करीब कर लेते हैं। हाँ। आप उठो, या तो ऐसे ना हो बेड करीब करने में खुद ही गिर जाओ। हाँ, ये अच्छा, इसमें जो हमने वाटर लिया है यहाँ पर, बेसिकली हमने ये मिनरल वाटर लिया है। और मिनरल वाटर लेने का मकसद ये होता है कि गर्मियों में आपकी स्किन से जो मादियाँ निकल जाती हैं वो इसके थ्रू स्किन को मिल जाती हैं। और ये जो ये वाली बॉटल है इसमें इनकी सारी इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, जितना डस्ट है, जितना मेकअप है, ब्लैकहेड्स हैं, वो सारे इनकी स्किन के ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम एक्सफोलिएशन भी कहते हैं कि इसकी जो सुपरफिशियल डेड लेयर होती है आपकी स्किन की वो भी ये रिमूव करता है। और इसके अलावा जितने इसके अंदर ब्लैकहेड्स स्किन पर मौजूद हैं वो भी ये रिमूव करेगा। और साथ साथ में देखिए वाटर मिल रहा है स्किन को, तो एक तरह से डिहाइड्रेशन भी कवर हो रही है। और वो लोग जिनको अर्ली साइंस ऑफ एजिंग आ रहे होते हैं, मतलब अभी उनकी उम्र इतनी नहीं है लेकिन क्या हो रहा है कि स्किन ढलना शुरू हो गई है या लूज होना शुरू हो गई है, अगर वो उसको हर मंथ मेंटेनेंस पे लेते हैं तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अच्छा, कोई अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्टेबल चीज नहीं है। अच्छा, ये तो इसका एक प्रोसीजर हो गया। दूसरी और क्या क्या चीजें हैं जो आप, हाँ, जैसे अब ज़ारा नहीं करें आप क्योंकि अभी आप दिखा रहे, टाइम नहीं है हमारे पास ऑब्वियसली। दूसरा हमारे पास ये हैंड पीस है। हाँ। इसको हम बायपोलर रेडियो फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। ये अंडर आई एरिया पे बहुत अच्छी काम करती है। इसका तरीका ये होता है, ये बंद करें या वो आपने टाइमर लगाया? नहीं, इट्स ओके, हम कर सकते हैं। मैं अगर थोड़ा सा फास्ट करके आपको दिखा दूँ, एक मिनट दिखाइएगा मुझे। मैं इनकी नोज पे फोकस करना चाहूंगी। हाँ। जो हमारी नोज होती है ये देखें आप, फौरन इनकी नोज क्लियर होना शुरू हो गई है। ये सबसे ज्यादा हार्श एरिया होता है, अगर आप कोई फेशियल भी लेते हैं तो काफी टाइम तक इसको निकालते रहते हैं लेकिन नोज के जो ब्लैकहेड्स हैं वो नहीं जाते हैं। ये स्टक करता है, ये स्टक कर रहा है, ये स्टक कर रहा है। तो स्किन पे जितने भी इनके ब्लैकहेड्स हैं वो इसके अंदर स्टक हो रहे हैं और इनकी स्किन को हाइड्रेशन भी मिल रही है। और इसकी क्या वो प्राइस तकरीबन क्या होती है? देखिए वैसे इसके हम 10,000 चार्ज करते हैं लेकिन हम आपके शो के रेफरेंस से जो हमें कॉल करेंगे हम उनको 50% ऑफ देंगे। अच्छा अच्छा, आप मुझे आय वाली भी दिखा दें कि आप वो जो इसके इसके अंदर ही आय का वो होता है। अच्छा, मैं क्या करने जा रही हूँ, उनका वन साइड मैंने किया है। हाँ। और आई थिंक हम वन साइड ही करते हैं ताकि हमें एक डिफरेंस भी फील हो। ठीक है, राइट। हमने ये जेल लगाया क्योंकि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी है, समटाइम्स पेशेंट इसको अफोर्ड नहीं कर पाता, मतलब पेन या कुछ ऐसी चुभन सी उसको बर्दाश्त नहीं कर, स्पार्क लगता है एक। हाँ। बर्दाश्त नहीं कर पाता तो हम जेल लगाते हैं ताकि पेशेंट इसको इजीली टॉलरेट कर। एलोवेरा जेल? बिल्कुल एलोवेरा जेल, सिंपली हम एलोवेरा जेल इस पे लगाएंगे। ठीक है, और मैं बहुत लाइट फ्रिक्वेंसी पे इसको कर रही हूँ इस ट्रीटमेंट को। ये इस तरह से किया जाता है।
अच्छा, अंडर आई एरिया की जितनी आपकी फाइन लाइंस होती हैं ये इसमें कवर हो जाती हैं, उसमें आपके डार्क सर्कल्स भी, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहा है आपकी। अच्छा। जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पे रिजुवेनेशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ओके। ये वाला एरिया सबसे स्टबन होता है, हम हाँ। क्या करते हैं कि यहाँ पे जब क्रीम्स भी अप्लाई करते हैं तो डार्क सर्कल्स ये वाले निशान कम हो जाते हैं, लेकिन आंखों के ऊपर का जो एरिया है हाँ। वो वैसा का वैसा रहता है। हाँ। प्लस ये कि आईब्रो, हमारे यहाँ जब हम आईब्रो बनाने जाते हैं तो अक्सर सैलून वाले कहते हैं कि आपकी स्किन आ रही है, या आपको खुद से भी फील होता है कि स्किन आना शुरू हो जाती है, तो इट मीन्स कि अब आपकी स्किन लूज हो रही है। ओके। अगर आप ये रेडियो फ्रिक्वेंसी का ट्रीटमेंट अंडर आई एरिया पे हर महीने करवाते हैं या 4 महीने आप लग के भी करवा लें तो 5th मंथ में आपको काफ़ी डिफरेंस फील होगा कि आपकी आईब्रो भी टाइट हो रही है।